फिशेस का सेकंड फाइलम है एनन्थोस्टोमेटा, और उसकी फर्स्ट क्लास है कॉर्नियोकाइट्स। उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसकी करैक्टर हैं जो फिशेस जो होती हैं इस क्लास में, वो कार्टिलेजियस फिशेस हैं और इनमें जार्स प्रेजेंट हैं और पेयर्ड फिन भी प्रेजेंट हैं और पेयर्ड नेरिस भी प्रेजेंट है। नेरिस का क्या मतलब होता है? नॉस्ट्रल्स। और इसके बाद में इसमें जो फिशेस आती हैं वो कौन सी हैं? शार्क्स, कैट्स, रेज एंड काइमरेसिस। और इसके बाद एस्मोब्रेंकाई में कौन कौन सी फिशेज़ आती हैं? शार्क, रेज एंड स्कैर्स एंड होलोसफाइली जो क्लास है उसमें कौन सी आती है? काइमरे सीमराई रेज, और समटाइम्स इसको हम गोस्ट शार्क्स भी कहते हैं, और इस नेम की बेस पे इनको एक सेपरेट क्लास में रखा जाता है। और अगर इनके स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन, क्योंकि ये कार्टिलेजियस फिशेस हैं तो इनका स्केलेटन क्या होगा? बोनी नहीं होगा, कार्टिलेज होगा, सॉफ्ट होगा। और नोटोकोर जो होती है वो यंग में प्रेजेंट होती है, और अडल्ट जब होता है तो वो रिप्लेस होके कार्टिलेज में हो जाए कन्वर्ट हो जाती है, और इसमें रिब्स प्रेजेंट नहीं होती। और अगर हम अपेंडिजिस की बात करें तो क्या है ये? इनकी स्किन होती है टफ स्किन और कवर्ड होती है डर्मल टीथ से, मतलब स्किन टीथ से। और इनको हम क्या कहते हैं? पैलाकोइड स्केल्स भी कहते हैं और डर्मल डेंटिकल्स भी कहते हैं, और ये इन्हें सैंड पेपर लाइक अपेयरेंस देते हैं। और मोस्ट स्पीशीज में आल डर्मल स्किन डेंटिकल्स जो होते हैं वो वन डायरेक्शन में ओरिजिनेटेड होते हैं, और स्किन को क्या बनाते हैं? वेरी स्मूथ, अगर रब किया जाए वन डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर रफ हो, वेरी रफ हो, तो इफ़ रब्ड इन अदर डायरेक्शन। और अनदर एक्सपेक्शन इनके बारे में क्या है कि इलेक्ट्रिक रेज होती हैं विच हैव अ थिक एंड फ्लैबी बॉडी होती है इलेक्ट्रिक रेज फिशेस में, और विच सॉफ्ट एंड लूज स्किन होती है डिवोटेड ऑफ डर्मल डेंटिकल्स एंड थॉर्न्स। उनमें स्किन उनकी फ्लैबी चिपकी चिपकी सी और सॉफ्ट होती है, और उनकी स्किन के ऊपर क्या है? डर्मल डेंटिकल्स एंड थॉर्न्स नहीं प्रेजेंट होते। और अगर इनकी रिस्पायरेशन की बात करें तो कॉर्नियोकाइट्स में, कॉर्नियोकाइट्स जो फिशेस होती हैं वो ब्रीथ कैसे करती हैं? उनमें 5 to 7 गिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो डिपेंड करते हैं स्पीशीज पे, कुछ में 5 प्रेजेंट हैं, कुछ में 7 प्रेजेंट हैं। और स्पायरिकल प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल होल होता है फाउंड बिहाइंड ईच आई के साइड पे एक स्पायरिकल होल प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू इनकी क्या कहते हैं रिस्पायरेशन भी होती है। और ये आंख के पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये दीज आर थिनी एंड सर्कुलर। अगर डायग्राम आएगी तो मैं दिखाती हूँ उसमें। और एक्सटर्नल एनाटॉमी को देखें, ये देखें ये आई है, और ये इसके नोस्ट्रल्स हैं जहाँ से इनके एयर इंटर होती है, ये स्नॉट है, और ये स्पायरिकल है ये आइज़ के बिल्कुल बिहाइंड, और ये नीचे करके माउथ प्रेजेंट है, और ये इसके गिल्स हैं। और स्नॉट क्या है? ये एक नोज लाइक लॉन्ग सी शेप है जो प्रोटेक्ट करती है आफ्टर प्रेइंग, प्रे करने के बाद उसकी फीचर्स को मेंटेन रखती है। और उसके बाद फंक्शन ऑफ द आई को देखें तो एक वेल डिवेल्प आइज़ प्रेजेंट होती हैं किसमें? मेरीन इन्वायरमेंट में और टेम्परेट लूसीडियम में। और ये आइज़ का फंक्शन क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अलाउ देम टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसके बाद हेल्प करती हैं ये डायलेट करने के लिए, मूव करने के लिए देयर पीपल्स, आँख के अंदर सेंटर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसकी मूवमेंट में, और जो रेटिना के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, और लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती हैं और इंक्रीज करती है विजिबिलिटी को, कब? डार्कनेस में, अंधेरे के टाइम। और सम स्पीशीज़ क्या करती हैं? नेक्स्ट इटेटिंग मेम्ब्रेन्स होती है सम स्पीशीज़ में, आइज़ के ऊपर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो उसकी आँख को प्रोटेक्ट करती है। और सम रोल करती हैं देयर आइज़, रोल कर देना पीछे की तरफ, मोड़ लेती हैं अपनी आइज़ को जब वो प्रे कर रही होती हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए अपनी आइज़ को पीछे की तरफ मूव कर लेती हैं। और उसके बाद नोस्ट्रिल की बात करें तो नोस्ट्रिल वेरी कीन ऑल्फैक्टरी सेंसेस हैं। वेरी कीन का क्या मतलब है? डीप सेंस ऑल्फैक्टरीज हैं। और सम स्पीशीज़ क्या करती हैं? वो डिटेक्ट कर सकती हैं एज लिटिल एज 1 PPM ऑफ ब्लड इन सी वाटर्स में। और ये ऑल्सो डिटरमिन क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ स्मेल। अब ये स्मेल होगी किसी उनके हैबिटेट में किसी जगह पे, तो वो सेंट की डिटेक्शन स्मेल की कर सकते हैं टाइमिंग के थ्रू।
और उसके बाद स्पाइरिकल की बात करें तो ये अभी आपको बताया रिस्पायरेशन में हेल्पफुल है, और ये प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजनेटेड वाटर डायरेक्टली टू आई एंड ब्रेन, किसके थ्रू सेपरेट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाटर जाता है आई एंड ब्रेन में, और उसके बाद ब्रीथिंग होती है जब ये कहाँ होते हैं लेइंग या ब्यूरिट बॉटम के अंदर, ओशन के बॉटम के अंदर जब ब्यूरिट हुए होते हैं या लेइंग कर पड़े होते हैं तो तब ये स्पायरिकल्स के थ्रू स्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, और वेस्टिजियल एंड नॉट प्रेजेंट, या तो डिजनरेटेड होते हैं या बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट होते इन लार्ज बड़ी और फास्ट मूविंग शार्क्स में, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बॉटम डेलविंग शार्क्स। और उसके बाद जो रिस्पायरेशन है एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन एज बाहर निकलता है ऑक्सीजन जैसे ही वाटर पास करता है कहाँ से गिल से, जब शार्क्स मूव करती हैं तो वाटर पास करेगा थ्रू देयर गिल्स एंड माउथ, और सम शार्क्स क्या करती हैं लॉस्ट एबिलिटी टू पम्प वाटर थ्रू देयर गिल्स, और गिल्स क्या है यूजली 5 to 7 pairs अकॉर्डिंग टू स्पीशीज, जैसे मैंने आपको बताया कुछ में 5 pairs प्रेजेंट होते हैं किस में 7, और एट द साइड ऑफ देयर हेड्स हेड्स की साइज पर प्रेजेंट होते हैं, नो गिल्स गिल्स के ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। फिल्टर फीडिंग शार्क जो है वो एक्सपेल करती हैं वाटर्स को अपने थ्रू अपने गिल्स के थ्रू। माउथ की बात करें तो माउथ में डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डाइट। क्रस्टेशियल फीडर्स में क्या है फ्लैट टीथ फॉर क्रशिंग फूड को क्रश करने के लिए, फिश फीडर्स में क्या है ट्राइंगुलर अपर टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कट भी करते हैं और ग्रिपिंग करते हैं, पकड़ भी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं किसकी प्रेडेटर की। और उसके बाद प्लेक्टोन जो फीडर्स होते हैं उनके पास टीथ होते हैं फिल्टरिंग के लिए और रिड्यूस टीथ। और उसके बाद टीथ क्या है आर अरेंज होते हैं मल्टीपल लाइंस इन अ रो। और उसके बाद जो उनकी टंग होती है टंग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने क्या कहने बाहिसियल, और एक थीक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है जो माउथ के फ्लोर पर प्रेजेंट होता है और यूजलेस किसी काम का नहीं होता वो मोस्ट शार्क फिशीज में। स्नॉट की बात करें तो ये कार्टिलेजियस स्पॉन्जी अभी आपको बताया रेजिस्ट करता है इम्पैक्ट मतलब शिकार के दौरान होने वाले असरात की मजामत करता है। और इसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स को देखें जाए डॉग शार्क्स में तो लेटर लाइन कनाल फिन स्पाइन पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन। लेटर लाइन क्या है ये सीरीज है फ्लूड फील्ड कैनाल्स की जस्ट बिलो द स्किन ऑफ द हेड पे और अलॉन्ग साइड बॉडी के साथ प्रेजेंट होते हैं, कंटेन करते हैं नंबर ऑफ सेंसरी सेल जिनको हम न्यूरोमेस्ट कहते हैं, ये डिटेक्ट करेंगे लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेशन और वाटर फ्लो की डायरेक्शन। शार्क सेंसेस फ्रीक्वेंसीज किस रेंज तक होती है 25 to 50 hertz। और फिन स्पाइन की बात करें तो अडेप्टेशन ये क्या करते हैं डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट प्रेडेटर, और जो इनमें पॉइजन सिक्रीट होता है सिक्रीटेड बाय ग्लैंड्स एट देयर बेस। और उसके बाद पेक्टोरल फिन्स की बात करें बिहाइंड द शार्क्स हेड के बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं ये, और आउटवर्ड बाहर की तरफ एक्सटेंड हुए होते हैं और एयरप्लेन लाइक विंग्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं शार्क्स को विद लिफ्ट फंक्शन एज अ सिंकिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग स्विमिंग एंड कीप द शार्क फ्रॉम सिंकिंग, डूबने से फिश को बचाते हैं और जैसे एयरप्लेन मूव करता है तो लिफ्टिंग के तौर पर फंक्शन प्ले करते हैं। पेल्विक फिन क्या है स्टेबलाइजर के तौर पर स्टेबल रखते हैं उनका बैलेंस रखते हैं बॉडी बैलेंस। और उसके बाद लोकेटेड कहाँ पे होते हैं पेक्टोरल एनन फिन्स के दरमियान। मेल शार्क्स की बात करें तो पेल्विक फिन्स को क्या कहते हैं क्लास्पर्स, और सेकेंडरी पर्पज इनमें मेल फार्स में क्या क्लास्पिंग करते हैं ड्यूरिंग मेटिंग होल्ड ऑन करते हैं, ये बॉडी के ऊपर डोर्सल फिन प्रेजेंट हैं ये पेल्विक फिन एंड ये पेक्टोरल फिन्स, और ये कैडल फिन्स हैं दो इनकी, ये देखें ये एक स्मॉल है कैडल फिन एक लार्ज टेल फिन को कैडल फिन कहते हैं। क्लास पर मेल की बात करें टेल रीजन में ये सारी इनकी ऑर्गन्स स्लिट्स फिन्स वगैरह प्रेजेंट हैं। पोस्टीरियर डोर्सल फिन की बात करें तो इनका जो पोस्टीरियर साइड पे पीछे वाले साइड पे वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं स्टेबलाइज करते हैं एनिमल्स को अगेंस्ट रोलिंग, रोल जब करते हैं और सडन टर्न लेना हो तो फिन स्पाइन क्या करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर। और कैडल फिन्स का फंक्शन क्या है ये टू टाइप्स के होते हैं अभी आपको बताया, और इनका मेन पर्पस क्या होता है प्रोवाइड करते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट का क्या मतलब है कि पुश या फोर्स के टाइम इनमें हेल्प करते हैं। कॉलिका की बात करें तो ये रिसीव करते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन और यूनरी एंड जेनिटल डक्ट से, और इसीलिए इसको कॉलिका कहते हैं मीनिंग सीवर कैरी आउट करना ब्लड वाटर वगैरह को।